धनेश्वर सदय। जोर से बोलिए आप, क्या नाम है? धनेश्वर सदय। धनेश्वर सदय, धनेश्वर जी आप अपना परिचय दे तो पूरा। मेरा घर मधेपुर पूर्वी, हाँ, पूर्वी पंचायत में पड़ता है। हाँ, कौन? ये लोग महागठबंधन सब मिल करके बनाए हैं, मोदी हराओ, बात समझिए ना, फूल छाप कमल छाप जिसको कह रहे हैं, हाँ, उसको हराओ, हाँ, सब मिल करके। यहाँ जो है ना, अभी वर्तमान में जो हवा चल रहा है, चौक चौराहे पर जाते हैं जी, हम लोग जो 10 आदमी बैठते हैं जी, तो मोदी जी को वोट देगा, मोदी जी को वोट देगा यार, जैसे जी अपना दिलाते। अच्छा, अभी आप मान लीजिए राजनीति पहले क्या थे, पहले पूर्व में पढ़ते लिखते थे, उसके बाद में जो है मुखिया में एक बार लड़े, हाँ, और उसके बाद में जो किसान की काम खेती बाड़ी अपना करते हैं, अपना थोड़ा बहुत। मुखिया में कब कब थे आप? वो बहुत टाइम हो गया, आप याद नहीं है, मान लीजिए बहुत पूर्व में एक बार आप मुखिया बने थे। हाँ, अच्छा, अभी जो आप मान लीजिए यहाँ हैं, कुछ किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? इंक्रीमेंटली होगा ना, मान लीजिए पार्टी से हम अभी किसी पार्टी से जुड़े उड़े नहीं हैं। अच्छा, वो जो कमल फूल छावला था ना, उसको हम ज़्यादा तो वर्तमान में स्वाभाविक है साथ देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वही बीजेपी। हाँ, पहले जो लालू का टाइम था ना, उस टाइम में लालू जी का हम लोग समर्थन थे, डंडा देकर के बना लिया मजबूत से। उन लोगों को तो उस टाइम में गरीबी था, खाने के लिए मरता था, तो उस टाइम में कौन एकटा ईंटा खरीद पाता। सही बात, ईंटा भी सस्ता, सीमेंट भी सस्ता, उस टाइम में जो है 150-200 रुपया में एक टेलर बालू देता था लोकल। क्या कर, तो हम जो है सो इसमें जो है सो एक और आदमी को घुसाया पिपरा से, तल्लू सदय, अभी विकास मित्र है, मान लीजिए वो विकास मित्र है। किस जगह का है वो? पिपरा का है। अच्छा अच्छा, वो और हम, तल्लू सदय नाम है, तल्लू सदय नाम है। अच्छा, तो वो जो है सो दोनों आदमी, उनको भी हम थोड़ा बता दिए और हम भी इधर में काम करने लगे, तो हम 3-4 टोल में ऐसे इंदिरा आवास 13,000 वाला हम बहुतों को दिलाए। उस टाइम वो लोग मकान नहीं बनाया, नहीं, तो कल के आप जितना बनाने के लिए चाहिएगा उतना देंगे। तो इस टाइम में जो है सो 13-14,000 मकान का जो है सो सरकार था मिलता था। हमको बोला जो तुम जो है सो क्या कहता है जो आधार कार्ड तो उस टाइम में नहीं था, राशन कार्ड और जिस पर बसे हुए उसका जमीन का पर्चा दीजिएगा, पर्चा हो या किसी का दस्तावेज हो या कोई तरीका का बात हो, कहिए जी सर हम देंगे। कच्चा मकान है, मकान है कहीं का जो उस टाइम में पूर्व में दिया 93 में जो लालू जी थे, जिस टाइम में 20 बरस तक वोट नहीं हुआ, उस टाइम में जो है सो कुछ हमको लगाव था वीडियो साहब से, हाँ, तो वो जो है सो हमको मानता था, हम उनको जो है सो ये करते थे, पासवान जी थे, तो वो जो है सो हमको कहा कि जे क्या धनेश्वर जी मकान बनवाइएगा, तो हम कहे सर हम लोग तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम लेकर के ईंटा वर्क से लेकर के वो सब जो है सो किया है। अच्छा, अभी आप लोगों के नज़र में प्रसरी मुसहरी जो आप लोगों का है, उसमें आप लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या क्या कहना? देखिए, हम यहाँ जो है ना सर लमसम 10-15 वर्ष, मान लीजिए 20 से हम लोगों का यहाँ वर्क, जैसे गरीब को जो है सो इंदिरा आवास के पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास, कोई तरह का इसमें मान लीजिए पक्का कारोबार हुआ है कि नहीं बना है? पक्का कारोबार हुआ है। हमारा कहने का मतलब ऐसा है कि ये आज बना कल टूट गया, इस टाइप का है कि नहीं आप लोगों के नज़र में? टूटने वाला नहीं है, बहुत मजबूत है, मजबूत बना है, मजबूत कारोबार बना है। अच्छा, इसमें आप लोगों का रहे मशविरा भी किसी का जो नहीं, आप लोग आइए देखिए, ये कीजिए। हमको बोला था तो हम जाकर के देखे 2-3 जगह में जी, बहुत अच्छा से बहुत लंबा प्लास्टिक वाला डब्बे का टोटी याद करके लगा रहा प्लास्टिक का। अच्छा, अभी जो मुखिया जी हैं आपके, अभी जो मुखिया जी बने हैं, वो कौन कौन सा काम किए हैं आप लोगों के लिए? हम लोगों के लिए अभी कोई काम नहीं किया, काम थोड़ा सा किया है यही जो पोखर का घाट बनवाया जी, और जगह जगह पर जहाँ दिक्कत था वहाँ पर में जो ढलाई रोड बनवाए हैं, हमारे ही बस्ती में बनाए जी, और जगह जगह में देखते हैं बनाया है, और पोखरा सब में जो है सो प्रधानमंत्री या जो को जिनका हो जी सब, तो उन लोगों को जो है सो नीतीश जी को जी
नीतीश जी तो कोई काम ही नहीं कर रहा है जी। सब तो वो तो सब अपना लाभदायक के लिए जो है से ये मारा ये पछाड़ा ऐसे वैसे किया और यहाँ जनता को कुछ नहीं काम चल रहा है जी। जैसे जलनल का काम देखिए, जलनल में 85 या 90 लाख रुपया दिया, जलनल नल अभी तक जाम में। आमदन जो है जी। जो माने देहात का हाँ। वो कुछ लोग वर्क करेगा और नहीं जो बुझने वाला है वो कमलपुर साहब को देगा। अच्छा, मैं यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ कि नीतीश जी पहले बीजेपी में थे, मतलब कमल छाप में थे, उसके बाद उन्होंने चले आए लालू जी के साथ है। तो पहले जो नीतीश बाबू बीजेपी के साथ में थे उस टाइम में जो उनका छवि था।